हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर जी हाँ आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में दोनों टर्म्स सुनने में एक जैसे लगते हैं सेल और सेल लेकिन दोनों में फर्क होता है एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल तो सबसे पहले हम लोग दोनों का मीनिंग समझेंगे जो हमने पिछले वीडियो में भी समझा था लेकिन एक बार क्विक रिविजन हो जाएगा एक बार मीनिंग समझ में आ गया तो डिफरेंस समझना बहुत ईजी हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग से पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाद में अग्रीमेंट टू सेल क्लियर है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग से मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि मैंने गुड्स बेचा या मैंने अग्री किया कि गुड्स को मैं बेचूंगा फॉर अ प्राइस सिंपल है मतलब अगर मैं सेलर हूं और मैं गुड्स बेच देता हूं या अग्री करता के बेचूंगा और उसके बदले मुझे क्या मिलेगा प्राइस मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो वह लिखा है देखिए समझें अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स और अग्री टू ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस सिंपल सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस मतलब सेलर गुड्स बेचता है या अग्री करता है बेचूंगा कब फॉर अ प्राइस फ्री में नहीं ऑफकोर्स प्राइज के लिए तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो डेफिनेशन बहुत ईजी है सेल अर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइज क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है कि मैं फ्यूचर में गुड्स बेचूंगा प्रोवाइडेड सामने वाला पर्सन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करे तो ही सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन तो ही मैं ब्यूट बेचूंगा तो उसको क्या बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल मैंने सिर्फ अग्री किया है कि मैं फ्यूचर डेट में बेचूंगा तो उसको क्या बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल वो लिखा ध्यान से समझते अग्रीमेंट टू सेल वेन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल्ड लेटर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करोगे तब मैं गुड्स को बेचूंगा फ्यूचर डेट में तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी सेलर से बायर को उसको क्या बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल मतलब एकदम की डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन उसको बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल एक बार वापिस

एकदम इजी है पहला पॉइंट हमेशा आ जाता है डेफिनेशन या मीनिंग जो मेरे हिसाब से तो डिफरेंस समझना बहुत इजी हो जाएगा बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर होती है अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन अब डिफरेंस पढ़ेंगे एकदम ईजी लगेगा देखिए अभी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये अग्रीमेंट टू सेल सबसे पहले आता है नेचर इट इज एन एक्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है ओनरशिप चेंज हो चुकी है तो प्रेजेंट में ही तो ये क्या है एक्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया है सेलर ने गुड्स बेच दिया है बायर ने पैसा दे दिया है

फर्स्ट पॉइंट एग्जीक्यूटेड है और ये एग्जीक्यूटरी है फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे तो इट इज अ प्रेजेंट सेल एंड इट इज अ फ्यूचर सेल इज़ी अब बात करते हैं राइट right की इट इज इट क्रिएट्स एन राइट अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड अब देखिए मैंने अगर अगर मैं बायर हूं समझ लीजिए मैंने कोई गुड्स खरीदा तो वो गुड्स मेरा हो गया अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड मतलब मेरे को वो गुड्स के खिलाफ राइट्स मिलती है अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड क्योंकि वो गुड्स मैं खरीद चुका हूं तो वो मैं ओनर बन चुका हूँ आई एम द ओनर तो वो अगेंस्ट नॉट द सेलर आई एम ओनर अगेंस्ट एवरी वो गुड्स मेरा है मेरे पोजेशन में है मेरी ओनरशिप में इसलिए वो मेरा गुड्स है मैं पूरे वर्ल्ड को बोल सकता हूँ कि मेरा है मेरा मेरा मेरी मर्जी सिंपल नहीं बोलू तो भी मेरी मर्जी है पर मैं बोल सकता हूँ तो इट गिवस राइट अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड और यहाँ पर अभी तक मेरा हुआ नहीं अग्रीमेंट टू सेल में अभी तक मेरा गुड्स हुआ नहीं है फ्यूचर में होगा तो अभी मेरे पास राइट तो है ओनली अगेंस्ट द सेलर तो उसको पर्सोनम बोलते हैं क्या बोलते हैं परसोनम वो है लिखा देखो ध्यान से इट क्रिएट जस्ट ओनली अ पर्सनल राइट दैट इज ओनली अ राइट अगेंस्ट द सेलर क्लियर है ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स इंस्टेंटली मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी इंस्टेंटली ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर प्रॉपर्टी का मतलब कि यहां पे ओनरशिप ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर करती है फ्रॉम सेलर टू बायर और यहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफर होगी फ्यूचर डेट पे तो वो लिखा है प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस एट लेटर डेट या फ्यूचर डेट एकदम ईजी है तो मीनिंग में क्लियर हो ही गया था फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो आपको लिखेगा रिस्क रिस्क क्या होता है देखो सीधी सी बात है जो ओनर होता है वो रिस्क रिस्क उसको ही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर गुड्स खरीद लेता है तो वो ओनर बन चुका है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है पढ़ा तो रिस्क भी किसका बायर का अग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है कब होगी फ्यूचर में तो जब तक नहीं हुई तब तक ओनर कौन है सेलर तो रिस्क किसका सेलर का तो इसलिए लिखा है देखो ध्यान से लॉस फॉल्स ऑन द बायर यहाँ पे ओनर बन चुका है बायर इसलिए बायर का रिस्क है और यहाँ पे इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड लॉस फॉल्स ऑन सेलर क्योंकि यहाँ पे गुड्स अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है इसलिए रिस्क किसका है सेलर का ईजी एकदम ईजी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे तो राइट टू परस्यू परस्यू का मतलब होता है कोई गुड्स को यूज करना अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मैंने गुड्स खरीद लिया है मेरे पास आ चुका है मेरे पास जब आ चुका है तो उसको यूज करूं नहीं करूं मेरी मर्जी है तो मेरे पास राइट है मैं चाहूं तो यूज कर सकता हूं परस्यू कर सकता हूं कोई ऐसी चीज है जिसको मैं यूज करना चाहूं तो यूज कर सकता हूं तो इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर के पास राइट होती है परस्यू करने की तो वह लिखा है बायर कैन परस्यू द प्रॉपर्टी यहां पे एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक हमारे पास बायर के पास प्रॉपर्टी आई नहीं है जब बायर के पास प्रॉपर्टी आई नहीं है तो परसुएशन का सवाल ही नहीं उठता तो वो लिखा है नो क्वेश्चन ऑफ परसुइंग सिंस गुड्स आर नॉट येट आइडेंटिफाइड गुड्स मिला ही नहीं है मेरे पास तो परस्यू का तो सवाल ही नहीं उठता राइट टू क्लेम यहां पे अगर समझ लो सेलर एक्वायर द राइट ऑन अनपेड सेलर सिंपल सी बात है सेलर ने गुड्स बेच दिया बायर ने उसको पैसे नहीं दिए या मनी नहीं दिया या कंसिटेशन नहीं दिया तो सेलर के पास राइट है सारे के सारे अनपेड सेलर की अनपेड सेलर मतलब ऐसा सेलर है जिसने गुड्स तो बेचा लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिला है तो उसके पास सारे के सारे राइट्स अगेंस राइट है अगेंस्ट एंटायर गुड्स अनपेड सेलर के राइट्स होते हैं और यहां पर अभी तक बायर के पास गुड्स आया ही नहीं है सिंपल तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स खरीदा आपने बोला कि मैं फ्यूचर में बेचूंगा सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन मैंने सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल की लेकिन आपने मुझे नहीं बेचा तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ लिए सिर्फ डैमेजेस के लिए इन द सेम वे आप भी मेरे पे केस कर सकते हो अगर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं की कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तो आप भी मेरे पे केस कर सकते हो सिर्फ डैमेजेस के लिए तो यहाँ पे पूरी एंटायर गुड्स के लिए केस कर सकते हैं वैल्यू के लिए और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं क्लियर है पोजेशन मैंने आपको बताया था गुड्स इमीडिएटली पोजेशन में आ सकता है दैट इज हो सकता है मैंने सेल कर दिया हो और उसी समय गुड्स दे दिया हो आपने मेरे को या आपसे मैंने ले लिया हो या हो सकता है फ्यूचर में लिया हो सेल में ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर होती है पोजीशन जरूरी नहीं है ट्रांसफर होगा इंस्टेंटली पोजेशन बाद में भी ट्रांसफर होता है फॉर एक्जाम्पल आप क्रोमा गए आपने पेमेंट करिए टीवी खरीद लिया बराबर तो इमीडिएटली टीवी आपके हाथ में नहीं दे देगा वो एक दिन बाद दो दिन बाद आपके घर पे इंस्टॉल करके देगा तो पोजेशन तो दो दिन बाद आया भले ही ओनर तो आप दो दिन पहले ही बन गए हो तो सेल में जरूरी नहीं है पजेशन इंस्टेंटली ट्रांसफर हो इंस्टेंटली भी हो सकता है फ्यूचर में भी हो सकता है याद रखना ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर होती है पजेशन इंस्टेंटली भी हो सकता है फ्यूचर में भी हो सकता है तो वो लिखा है मे ट्रांसफर फॉर्म टू बाय इंस्टेंटली और लेटर डेट इंस्टेंटली भी हो सकता है लेटर डेट पे भी हो सकता है लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में हमेशा लेटर डेट पे होगा क्योंकि अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि फ्यूचर में ऑलवेज ऑलवेज फॉर फ्यूचर तो वो लिखा है 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 एट लेटर हमेशा लेटर डेट डेट हमेशा पे ही होता है। सिंपल सा डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको नहीं समझ में आया ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा मैंने बहुत शिद्दत से समझाया है तो एक बार वीडियो वापस देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो दो बार भी देख सकते हैं यूट्यूब है जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हां और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को थैंक यू बाय